खाना मेल्ट हो जाए। आपसे खाने में ज्यादा मजा आता है, तोड़ते रह जाओ। आज हम लोग चाउमीन खाएंगे। हेलो गाइज, वेलकम और वेलकम बैक टू न्यू वीडियो। सो आज हम लोग जा रहे हैं यहाँ के बाजार में, और यहाँ का मोलरबंद का मार्केट दिखाऊंगी आपको। और ये देखो मैंने अमालिया को कैसे ले लिया, एकदम कंगारू बेबी की तरह टांग लिया, क्योंकि ना यार थक जाते हैं, कुछ भी सामान वामान अच्छे से खरीद भी नहीं पाते बिल्कुल भी। बहुत थोड़ा अजीब सा लग रहा था, क्योंकि लोग अजीब ही तरीके से देखते हैं, पर मैंने कम्फर्ट सबसे पहले देखना चाहिए। ठीक है, मैंने भी फुल इंजॉय मूड में है, और मुस्कान चल रही है आगे, पतली गली से जा रहे हैं बिल्कुल सुनसान से। ये वीडियो बनाने में थोड़ी आसानी हो इसलिए मैं इस वाली गली से आई। और रास्ते में दिखे हमें ये पॉपकॉर्न वाले भैया, इसमें से खुशबू तो बड़ी गजब की आ रही थी। बेटी चले घूमी घूमी करने के लिए। हंस के दिखा लो थोड़ा सा, हंस के दिखा दो। अमान्या को ना ये चूसने को मिल जाता है। ऊपर देख रही हो? ऊपर क्यों देख रही हो भाई? अमान्या देखेगी, मस्त है वो, एटीट्यूड है मेरी बेटी में। देखो 5:30 बज रहे हैं, फिर भी इतनी तेज धूप हो रही है यार। धूप की वजह से ना कहीं भी जा नहीं पाती, इतना दिमाग खराब होता है कि यार दिल्ली आने का फायदा क्या, मतलब कहीं जा ना पाओ, ब्लॉगिंग ना कर पाओ। जैसे कि आपको ने देखा होगा, ब्लॉगिंग तो आई नहीं रही है कुछ दिनों से, क्योंकि इस बच्चे की वजह से ना मैं कहीं नहीं जा पा रही हूँ, गर्मी बहुत है। ये है यहाँ का मोलरबंद का मार्केट, जो कि मैं बचपन से देखते आ रही हूँ, और बचपन से लेकर के अब तक तो यार इसमें बहुत चेंज आ गया है। तो यहाँ पे पार्टी वेयर क्लॉथ, बच्चों के क्लॉथ और स्टाइलिश क्लॉथ भी मिल जाते हैं। और पार्टी वेयर तो बहुत ही अच्छे अच्छे मिलते हैं, लेकिन इसके साथ साथ ना थोड़े कॉस्टली भी रहते हैं यहाँ पे जो क्लॉथ। तो इस तरीके के पार्टी वेयर की शॉप यहाँ पे बनी हुई है, तो आप एक लेन में ना आपको सारी चीज़ मिल जाएगी। थोड़ी बहुत अंदर भी शॉप है, जैसे अलग अलग लेन बनी है ना, तो उस तरीके की डेकोरेशन वगैरह कभी तो मिल ही जाता है। और यहाँ पे यार चप्पल वाली दुकान जो है ना वो बहुत बड़ी है। फिर उसके बाद हम लोग यहाँ पे आ गए राम लड्डू आने के लिए। यार मुझे बहुत गजब के लगते हैं, मैं जब भी आती हूँ ना तो मैं जरूर खाने लगी हूँ आजकल। ऐसी जीभ लपलपाई मुस्कान। और भाई यहाँ पे गरम गरम जलेबियाँ भी बन रही थी, बट यहाँ की क्रंची नहीं होती। वेट करने के बाद आ गए हमारे राम लड्डू, जो कि दाल के होते हैं। तो मैंने चम्मच को छोड़ के हाथ से ही खाना शुरू कर दिया, बिकॉज यार चम्मच से ना बहुत टाइम लगता है। आगे चलते हैं, तो यहाँ पे हम लोग एक चप्पल की शॉप दिखी। और तो और यार मोमोज वोमोज भी मिल जाते हैं, बट जब से मुझे पता चला है कि सड़े हुए टमाटरों की चटनी बनाते हैं, तब से मैं मोमोज खाना छोड़ दिया है। उसके बाद हम आए चौराहे पे, तो हम लोग ने जल्दी जल्दी क्रॉस किया। हम खाएंगे चाउमीन और अमान्या खाएगी अपना कैरियर। हम लोग आए हैं फेमस चाउमीन लेने के लिए, जो मुझे बहुत ज्यादा पसंद है। और यहाँ पे बन रही है हमारी एकदम लच्छेदार चाउमीन। बिल्कुल इन्होंने भैया ने ना यार एकदम ऐसे निकाला और बस कढ़ाई में डाल दिया, जो उछाल उछाल किस तरीके से बनाते हैं ना यार, ये पार्ट बड़ा गजब का लगता है। मुझे ये समझ में नहीं आता कि रेस्टोरेंट में बर्तन इतने गंदे क्यों रखते हैं। ये देखो चाउमीन ले लिया हमने, अब घर जा रहे हैं, चाउमीन खाएंगे जाके घर से। कुछ रास्ते में देखेंगे, अगर खाने के लिए मिलेगा तो वो खाएंगे। और देखो मान्या भी देख रही है वीडियो बनाते हुए मुझे यहाँ। अभी हम लोग को यहाँ से क्रॉस भी करना पड़ेगा, क्रॉस करते टाइम थोड़ा सा डर लगता है। एक बार मेरा एक्सीडेंट भी हो गया था यार यहाँ से क्रॉस करते टाइम, तो तब से और ज़्यादा डर लगता है। बट कोई नहीं, डर के आगे जीत है। मैंने सोचा था अमान्या जो है व्यू एंजॉय करेगी, लेकिन अमान्या तो क्या अपना गाने का एंजॉय कर रही है, मतलब जो भी है ना मुंह में रखने का एंजॉय कर। देखो चाट चाट के पूरा गीला कर देगी, धो देगी यहीं पे। खाने आई है यहाँ पे आइसक्रीम। पहले इस मार्केट में ना ये आइसक्रीम वाइसक्रीम कुछ नहीं मिलता था, बट यार ये मार्केट ना अब एडवांस हो गया। यहाँ पे आइसक्रीम भी मिल जाती है और भी बहुत अच्छे अच्छे आइटम मिल जाते हैं। तो मैंने नहीं खाई यार, क्योंकि मुझे जुकाम हो रहा था, पर मन नहीं माना। पहले नहीं डालते थे टूटी फूटी आइसक्रीम। ये देखो आइसक्रीम ले लिए मुस्कान ने, इतनी लंबी सी 5 इंच की। अमान्या खाई क्या? अमान्या खाते हुए भी रिकॉर्ड करो। अमान्या तो सुनिए, देखो ये अमान्या खाने का सामान है तो अमान्या के पास। चलो लौटते हुए भी थोड़ा सा मार्केट दिखा देते हैं। तो अगर आपको चेंस का आइटम चाहिए, बच्चों का आइटम चाहिए, तो वो भी यहाँ पे मिल जाएगा। और यहाँ पे यार मोमोज वाले तो बहुत सारे हैं, मतलब इतना कंपटीशन है ना यहाँ मोमोज का, पूछो मत। इतने सड़े हुए टमाटरों की चटनी खाते हैं सब लोग, यार मैं भी बहुत मुश्किल से कंट्रोल कर रही हूँ अपने आप को। मन नहीं मान रहा, जल्दी खाओ ना, मेल्ट हो जाएगी।
थोड़ी सी आइसक्रीम खाई पर मज़ा आ गया खा के, एकदम मस्त था, गला ठंडा ठंडा हो गया। मुझे जुकाम हो रहा है इसलिए मैं कोशिश कर रही हूँ कि ना मान्या ना कुछ भी हाथ में आता है। देखो वो ठेले वाले के, हाँ वो अंकल है ना, उनके ठेले वालों के ना कुछ सामान उठा रही थी एकदम से ऐसे करके, पर उठा नहीं पाया, अफसोस। माने ऊपर देख रही है, लाइट देख रही है, लाइट लगी हुई है ना ऊपर। पाउडर लो 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 लो, पाउडर ले लिया है हम लोगों ने, इतना सा जरा सा पाउडर 50 रुपए का मिला है। महंगाई बहुत बढ़ गई है, महंगाई का जमाना है। ये वो वाला नहीं है जो मैं लेना चाहती थी, कौन सा हम लोग जो बचपन में लगाते थे छोटा सा पाउडर आता था वो 10 रुपए का 15 रुपए का, कौन सा वाला, वो वाला लेना चाह रही थी मैं। हाँ वो शाहरुख खान वाला, वो वाला नहीं मिला। ये देखो ये खाने में लग गई मेरे, ये भी खाने में लोग कुछ जुट गए। कितने की खस्ता कचौड़ी क्यों भैया, ये कचौड़ी कितने की? भंडारे के लिए जा रही है। शोर करना जरूरी है अरे गाड़ी वालों को, मतलब वीडियो बनवाने नहीं देते बिल्कुल भी है, इंसान रुक जाए पर इतना इतना इतना। हाँ कोई ज्यादा पीप नहीं बजाता ना, बहुत गुस्सा आ रहा है, मन करता पकड़ के उसको जूते ही जूते मारो, मतलब जो भी है मारो घूसे ही घूसे। हम लोगों ने कचौड़ियाँ पूछी, उन्होंने कहा कि ये ऑर्डर के लिए हैं तो हम नहीं ले सकते। एक बार जो सड़क छूट जाए ना तो समझो साल भर 50 साल तक ठीक नहीं होगी, 2000 साल बाद पूरी होगी। कान कह रही है मेरे नहीं निकाल दो, मैं कह रही हूँ अपने आप निकालो, जाओ निकालने की यारी नहीं है, किसी और में कर देना, थोड़ी उसके लिए भी रख देना आलिया के लिए। चमिन खाने के बाद हम लोग निकले डॉक्टर के पास। वो क्यों गए? क्योंकि यार अमान्या के गर्दन पे कुछ हो रहा था ना, तो उसको दिखाने के लिए हम लोग गए थे, बिल्कुल रात हो गई थी, तो यहाँ पे मैंने थोड़ी सी क्लिप शूट कर ली, क्योंकि यार आप पूरा डॉक्टर को तो दिखाएंगे नहीं, डॉक्टर भी कहेगा यार ये कौन आ गई, मतलब पूरी प्राइवेसी नाम की कोई चीज़ ही नहीं है। और अमान्या देखो यहाँ पे आके कैसे टीवी देख रही है, इसको टीवी दिख गई ना, इसको क्या समझ में आता है यार, न्यूज़ चल रही थी, न्यूज़ में भी इसे समझ में आ रहा था कि हाँ चलो टीवी देखते हैं, ये देख लो यार मैं भी न्यूज़ नहीं देखती हूँ, लेकिन अमान्या कितने इंटरेस्ट के साथ देख रही है, देखो इसे। तो भाई ब्लॉग कैसा लगा कमेंट में बताना, पसंद नहीं आया ना तो भी लाइक कर देना, ठीक है बाय।